मेजर ब्लास्ट के बाद नेतन्याहू का एक वीडियो तेजी से वायरल है। सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि यह ब्लास्ट के बाद का ही वीडियो है। ये तस्वीरें आप देखिए। तो देखिए, शक पूरी तरह से मोसाद पर है। हिजबुल्लाह कह रहा है कि इस हमले के पीछे इजराइल है और ऐसे में बेंजामिन नेतन्याहू का यह वीडियो वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर। वहीं पेजर ब्लास्ट के बाद लेबनान में अलर्ट है। आज लेबनान के सभी स्कूल कॉलेज बंद हैं। लेबनान के शिक्षा मंत्री ने इसके निर्देश दिए। और इस बीच बता दें, पेजर धमाके पर ताइवान की कंपनी की ओर से सफाई भी पेश की गई है। गोल्ड अपोलो कंपनी के संस्थापक का दावा, धमाके वाले पेजर ताइवान में नहीं बने, यूरोप में कहीं बनाए गए थे पेजर। ये बड़ा दावा किया गया है ताइवान की उस कंपनी की तरफ से जिनके ये पेजर बताए जा रहे हैं। और हमारे साथ इस वक्त साइबर एक्सपर्ट पवन दुग्गल मौजूद हैं। पवन जी, स्वागत है टीवी 9 भारतवर्ष पर आपका। ये अटैक सामने आने के बाद, पेजर ब्लास्ट सामने आने के बाद कई सवाल जहन में उठ रहे हैं कि कैसे ये मुमकिन हुआ। आप क्या जानकारी दे सकते हैं? एक बड़ी बात जो निकलकर सामने आई वो ये कि 3 महीने तक कहीं शिपमेंट रुका रहा और उसी वक्त शायद ये खेल हो गया या मोसाद ने ये खेल कर दिया। ये संभव कैसे हुआ? देखिए, कहीं ना कहीं ये साइबर सुरक्षा में सेंध का मामला नजर आता है। हाँ, ये साइबर सुरक्षा में सेंध कहां लगी अभी फिलहाल उस पर टिप्पणी करना मुश्किल है, लेकिन सेंध लगी क्योंकि जो पेजर नेटवर्क था बहुत सुरक्षित नहीं था। उस नेटवर्क में साइबर सुरक्षा की सेंध करते हुए साइबर एक्टर्स घुसे। अब वो कौन है ये भी नहीं पता, लेकिन संभावित तौर पर घुसने के बाद उन्होंने सिंक्रोनस साइमल्टेनियस अटैक्स किए। ये थ्योरी जो बताई जा रही है कि साहब हो सकता है कि सप्लाई चेन में फर्क था या लिथियम बैटरीज हीट ज्यादा हो गई थी, उनमें ज्यादा इसलिए दम नजर नहीं आता क्योंकि इतने सारे हजारों लेवल पर एक साथ ही आपके ब्लास्ट होते हैं, तो ये कहना कि उसी केवल बैटरीज में खलल था या प्रॉब्लम थी वो इशू नहीं है। आई थिंक बिगर इशू ये है, ये साइबर सुरक्षा में सेंध का मामला है। साइबर आक्रमण का एक नया तरीका है और जितनी जल्दी अब हम इसे एक वेकअप कॉल के तौर पर ले लें तो अच्छी बात है। और इसकी एक सीधी एनालॉजी ये है कि हम हर राष्ट्र को अब इस एपिसोड से थोड़ा सा चौकन्ना हो जाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अब ना केवल पेजर्स बल्कि मोबाइल्स भी हथियार के तौर पर, एम्यूनिशन के तौर पर वेपनाइज किए जाएंगे साइबर क्रिमिनल्स द्वारा। यही वो हथियार होंगे जो आप और मैं हम अपनी मतलब जेबों में। पवन जी, आप ये कह रहे हैं कि किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में इस तरह से विस्फोटक फिट किया जा सकता है और कहीं दूर बैठकर हजारों किलोमीटर दूर से उसे ट्रिगर किया जा सकता है, ये संभावना है और ये आशंका जो है वो हम सबके लिए बहुत चिंताजनक है। फिर तो न केवल ये किया जा सकता है, साथ ही साथ रिमोटली आपकी डिवाइस को हैक किया जा सकता है और ऐसे कमांड दिए जा सकते हैं जिसके माध्यम से आपकी डिवाइस एक्सप्लोड कर जाए या धमाका हो जाए। तो अब ये नए प्रकार के साइबर सुरक्षा की सेंधों के नए। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। वक्त हमारे पास इतना ही था इसलिए इस चर्चा को यहीं पर खत्म करना होगा। आप सभी खास मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन आने वाला वक्त जो है वो कितना गंभीर हो सकता है आप अंदाजा लगाइए, और साइबर सुरक्षा को पुख्ता करना हम सबके लिए कितना जरूरी है ये भी इस खबर से पता चलता है।